नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड अपडेट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जिसने पाकिस्तान और चीन के नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान में काफ़ी समय से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों को अपना निशाना बनाया हुआ है। हाल ही में कराची में एक सुसाइड अटैक से कम 11 चीनी नागरिक मारे गए हैं। उसकी जिम्मेदारी जिस BLA ने ली है, वो अक्सर चर्चाओं में आने वाला पाकिस्तान का मजबूत अलगाववादी संगठन है। आत्मघाती बम के तौर पर इस्तेमाल होने वाली पढ़ी लिखी महिला थी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सदस्य थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल बलूचिस्तान में लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने का आंदोलन चल रहा है, लेकिन तब चीनी लोग इस संगठन के निशाने पर आ गए जब उन्होंने बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान आकार के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बंजर पहाड़ी इलाका होने की वजह से आज़ादी की आबादी के हिसाब से देश का सबसे छोटा राज्य है। जब भारत दो टुकड़ों में बटा, तब भी बलोच लोगों ने अपने लिए अलग देश की मांग की थी, लेकिन तब उनकी बात नहीं सुनी गई। कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए 70 सालों से ज़्यादा समय से उबल रहा है। बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, सोने जैसी कीमती धातुओं की खान भी है, और कुल मिलाकर पाकिस्तान का एक ऐसा राज्य है जहाँ खूब खनिज संपदा है। बलूचिस्तान की बॉर्डर नॉर्थ में अफगानिस्तान से और वेस्ट में ईरान से सटी हुई है। इसकी एक लॉन्ग कोस्टल लाइन भी है जो अरेबियन सी से सटी हुई है। बलूचिस्तान के लोग उनके इलाके से इन रिसोर्सेज को निकालने का लगातार विरोध करते रहे हैं, और बलूचिस्तान में चीन की मुख्य परियोजना में शामिल है ग्वादर पोर्ट। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित यह पोर्ट सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज स्ट्रेट अरेबियन सी में तेल की आवाजाही का एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी समूह है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे असरदार संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA है। इसका नेतृत्व पहले बलोच मदी किया करते थे, जो अफगानिस्तान में 2007 में मारे गए थे। इसके बाद BLA ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया। अब इस संगठन के नेता बशीर जेब बलोच कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले राज्य बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाली इस आर्मी ने सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष तो लंबे समय से छिड़ा हुआ है। उनके पास हजारों लड़ाके हैं और बड़ी संख्या में हथियार भी हैं। जिस तरह हाल ही में कराची में आत्मघाती विस्फोट में चीनियों की मृत्यु हुई, उसे लगता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास अब खतरनाक सुसाइडल स्क्वाड भी हैं। पाकिस्तान सरकार और सेना जितना बलूचिस्तान और वहां की आवाम को जितना दबाने, सताने और अत्याचार के काम करती है, उतनी ताकत से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसका विरोध भी करती है। आखिर चाहती क्या है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? बलूचिस्तान के लोग 1944 से ही अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना से संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की आर्मी इस विरोध को बेदर्दी से कुचलती रही है। इसी के प्रतिरोध में 70 के दशक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ। पाकिस्तान यहाँ की खनिज संपदा का दोहन करके पैसे बना रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के विकास की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ के लोग अब भी बेहद गरीबी में जी रहे हैं, जबकि यहाँ तेल, गैस, तांबे और सोने जैसी कुदरती संपदा की भरमार है। बलूच लोग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पाकिस्तान के बेहद बाकी हिस्सों में काफ़ी अलग हैं, जो खुद को पंजाबियों के हाथों में शोषित मानते हैं। पाकिस्तान की आर्मी वहाँ के लोगों को अपना निशाना बनाती रही है, जिसका बलूच हमेशा विरोध करते रहे हैं। माना जाता है कि बलोच सेना ने सीमाई इलाकों और अफगानिस्तान में अपना बेस बना रखा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इन्हें इराक में सिंपैथी मिलती है, वहाँ भी उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं। ईरान से सीमा पार करके वो पाकिस्तान में गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यह भी माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी क्षमता में ज़बरदस्त इजाफा किया है। उनकी मजीद ब्रिगेड काफ़ी ताकतवर मानी जाती है, और ऐसा लगता है कि अब इसका संचालन भी आधुनिक तौर तरीकों से कमांड बनाकर किया जा रहा है। इसकी कई ब्रिगेड हैं जो अलग कैंप के जरिए अपने ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।